के बच्चों, हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना उत्साह और अट नहीं रही पढ़ लिए हैं। तो आइए अब हम लोग उत्साह से प्रश्न लिखें। तो पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? प्रश्न है पहला, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो आइए अब उत्तर लिखिए। उत्साह कविता कवि का आह्वान गीत है, जिसके स्वर में ओज है, क्रांति है, पूर्ण विराम। कवि क्रांति की अपेक्षा करता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गरजना सुनकर उत्साह का संचार हो जाए, पूर्ण विराम, लाइन बदल लीजिए। दूसरी ओर बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है, पूर्ण विराम। ऐसे भावों से कवि के मंतव्य की गति नहीं मिलती, पूर्ण विराम। यही कारण है कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, पूर्ण विराम। पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब आप उत्तर लिखिए। कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है और ऐसी गरजना जिससे जन सामान्य में चेतना का संचार हो जाए, पूर्ण विराम। ऐसी गरजना जिसकी गड़गड़ाहट सुन उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाए, पूर्ण विराम। कवि अपेक्षा करता है कि लोग बादल की गरजना से अपनी उदासीनता छोड़ दें और उत्साहित हो जाएं, पूर्ण विराम। ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा। दूसरा प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उत्तर लिखिए, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, बादल मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है। दूसरा है, मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करता है। तीसरा है, जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। चौथा है, जीवन में नवीनता और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 4 लिखिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। उत्तर लिखिए, चौथा प्रश्न का, निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य दर्शनीय है। पहला है, घेर घेर घोर गगन, पूर्ण विराम। दूसरा है, विकल विकल कामा लगाइए, उन्मन थे उन्मन, पूर्ण विराम। तीसरा है,
तप्त धरा जल से फिर, तप्त धरा कामा लगा दीजिए जल से फिर। चौथा है शीतल कर दो बादल गरजो, पूर्ण विराम। चार प्रश्न हो गए आपके, चारों प्रश्न के उत्तर आप लिख लिए। अब आज इतना ही, आगे आपको कल लिखाया जाएगा।